दोस्तों, हम सब की चाहत होती है हमारा चेहरा बेदाग हो, हमारे चेहरे पर किसी भी तरह के निशान, दाग धब्बे ना हो, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन या झाइयों से परेशान है। तो आज आपके लिए एक ऐसी पावरफुल रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपकी झाइयों को, पिगमेंटेशन को दूर करेगी। एक उम्र के साथ ही साथ झाइयों की परेशानी कई बार हो ही जाती है। इसका बहुत कुछ कारण है दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर कई लोगों को मेनोपॉज के बाद हो जाता है, बहुत से लोगों को प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन, झाइयों की परेशानी हो जाती है, या फिर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी, विटामिन ई की कमी या फिर विटामिन B12 की कमी से भी हमें मेलाज्मा, पिगमेंटेशन की परेशानी हो जाती है। दिखने में बड़ा खराब लगता है, हमारी सुंदरता को कम कर देता है ये पिगमेंटेशन। कोई ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है दोस्तों कि हम सोच रहे कोई हेल्थ इशू है, बिल्कुल नहीं, परंतु सुंदरता की दृष्टि से अच्छा नहीं लगता। बहुत पावरफुल रेमेडी लाई हूँ। इस घरेलू नुस्खे में मैं इस्तेमाल करूंगी 2 बड़े चम्मच नारियल के तेल का, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल होते हैं, कुछ ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो हमारे स्किन को पोषण देते हैं, हमारी त्वचा में चमक आती है। और झाइयों को हटाने के लिए नारियल तेल में यदि कुछ एक चीज़ें मिलाकर आप लगाते हैं, 100% आपकी झाइयाँ दूर होंगी। और दोस्तों, चमकता दमकता चेहरे की जो चाहत है ना, वो आपकी पूरी हो सकेगी। वैसे तो दोस्तों, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेलाज्मा, जिसे हम लोग पिगमेंटेशन, झाइयाँ बोलते हैं, 2 तरह का होता है। एक होता है हाइपर पिगमेंटेशन, एक दूसरा जो होता है वो होता है हाइपो पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन में दोस्तों, स्किन में जो पैचेस आते हैं वो डार्क कलर के आते हैं, गहरे गहरे थोड़े काले भूरे भूरे से धब्बे पड़ जाते हैं। हाइपोपिगमेंटेशन में दोस्तों, हमारे चेहरे पर सफ़ेद रंग के धब्बे आते हैं, हमारे गाल पर, दोनों गाल पर, नाक पर, हमारे माथे के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर, होठों के ऊपर ये काले काले धब्बे हो जाते हैं, जो कि बड़े ही ख़राब लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो ना, बिल्कुल वैसा ही लगता है। और क्या है, कितना भी हम ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, कितना भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लें, मेलाज्मा जल्दी ठीक नहीं होता है। जैसे ही हम बाहर निकलते, धूप में ज़्यादा जाते हैं, ये वापस हो जाता है। अगर इस होम रेमेडी को ट्राई करेंगे, 100% रिजल्ट मिलेगा। नारियल तेल में मिलाना है चुटकी भर हल्दी। हल्दी यहाँ पर शुद्ध होना चाहिए, ये ना सोचे अरे हम चक्की में जाकर कहाँ पिसवाएंगे, अच्छी कंपनी की ले लें, हम लोग तो वैसे चक्की में पिसवाते हैं, नहीं कोई बात नहीं। हल्दी की गठाने किसी भी किराना दुकान में मिल जाएंगी। थोड़ी सी हल्दी की गठान को थोड़ा सा पानी डालकर, 1 चम्मच पानी या नारियल तेल में डालकर आप घिस लें, चौकी होती ना, पत्थर की चौकी, और हल्दी का पेस्ट भी इसमें मिला सकते हैं, बिल्कुल चुटकी भर। आप देख सकते हैं मैंने भी कम मिलाया है, ये ना सोचे कि हमारा चेहरा पीला पड़ जाएगा। हल्दी नारियल का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों, झाइयों को दूर करने में। आपकी स्किन को बिल्कुल, चेहरे की त्वचा के जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जो डार्क पैचेस पड़ गए ना वो हटेंगे और आपका स्किन टोन इवन हो जाएगा, आपकी नई त्वचा आएगी, डेड सेल रिमूव होंगे इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से। ये इतनी पावरफुल है। कुछ बूंदे लेमन जूस की जरूर डालें। नींबू का रस क्या करता है दोस्तों, विटामिन सी से भरपूर होता है और साथ ही साथ एक नेचुरल ब्लीच का भी काम करता है। जैसे हम लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर ब्लीच करवाते हैं ना रंग को गोरा करने के लिए, तो क्यों ना हम नेचुरल ब्लीच का इस्तेमाल करें इन काली काली झाइयों को दूर करने के लिए। झाई ज़्यादातर दोस्तों फीमेल में ही होती है पिगमेंटेशन, जेंट्स में बहुत कम देखी जाती है, लेडीज़ में ज़्यादा देखी जाती है दोस्तों। और बहुत से लोगों को पीरियड्स के समय या फिर जब मेनोपॉज का टाइम होता है उस समय ये बहुत होती है, धूप में ज़्यादा जाने से भी होती। जब भी सनलाइट में जाएं, एक चीज़ याद रखना, आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। पूरे चेहरे पर सनस्क्रीन लगाए बिना बिल्कुल बाहर ना निकले, इतना ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से तेज़ी से बढ़ता है मेलाज्मा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए शरीर में, और थोड़ा हेल्दी फूड भी लें, थोड़ा विटामिन सी युक्त फल ज़रूर खाएं, कुछ नहीं तो आप आंवला ज़रूर खाएं। आंवले में विटामिन सी होता है, बहुत सस्ता आता है दोस्तों, आसानी से आपको मिलेगा, अभी तो 4-5 महीने आंवला आता है, तो ज़रूर खाएं। खाने पीने का भी ध्यान रखें, इस रेमेडी को भी लगाएं। मैंने इसमें 4 से 5 ड्रॉप लेमन जूस की डाली है, खूब सारा नहीं डाला है ये देखें। तो नींबू का रस जो है वो झाइयों को तेज़ी से दूर करेगा, नारियल का तेल, हल्दी। तो दोस्तों, आसानी से हम इसे क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण भी मेलाज्मा हो जाता है। नींद जिन्हें अच्छी तरह से नहीं आती है उन्हें भी ये होने का डर रहता है। तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखें, अपने शरीर को थोड़ा हेल्दी चीज़ें लें,
बहुत आसानी से आप इस घरेलू नुस्खे से अपने पिगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं और अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं, ये तीनों चीज़ें पूरे समय हमारे पास होती हैं। आप चाहें तो इस रेमेडी को रात को ही चेहरे पर लगाएं। क्या होता है, दिन के समय, धूप के समय, दिन में हम लोग काम करते हैं तो बहुत पसीना आता है और नारियल तेल आपको थोड़ा चिपचिपा लगेगा, इसलिए आप रात को सोते समय इसे लगाएं। इसे लगाने के लिए आप रुई का इस्तेमाल, कॉटन का इस्तेमाल या कॉटन पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस कॉटन पैड की मदद से अपने पूरे चेहरे पर इसे आपको लगाना है। और आपको ऐसा लगता है कि अरे हल्दी है, हमारे कपड़े रात को ख़राब ना हो जाए, हमारा पिलो कवर या बेडशीट ख़राब ना हो, तो आप रात को सोते समय इसे एक हल्के से कॉटन से या फिर सूती कपड़े से हल्का सा, उससे आप हल्का सा इसे पोंछ लें। आपको चेहरे को धोना नहीं है, रात भर इसका मॉइस्चर नारियल तेल का, हल्दी का बना रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हल्के से कपड़े से पोंछें। अभी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ जहाँ मेलाज़मा, आप देख सकते हैं नाक के पास, मुझे खुद को हो जाता है दोस्तों अगर मैं ध्यान नहीं रखती। जैसे मैंने आपको बताया कि मेलाज़मा होने का सबसे बड़ा कारण है बहुत ज़्यादा धूप में रहना, मेनोपॉज के बाद भी हो जाता है, और अगर ध्यान नहीं रखते तो ये दोबारा फिर से होता है। मैंने अपने होम रेमेडी से इसे क्योर कर लिया था पर अभी वापस हो गया है, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैं अभी आपको इसे क्योर करके दिखाऊंगी। आप कुछ दिन इसे लगाएं, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। जो बहुत गहरे रंग का था दोस्तों, काले काले पैचेस थे, वो अब बहुत ज़्यादा लाइट हो चुके हैं। और वही रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल की है। नाकों के पास, नाक के पास, दोनों गाल, होठों के ऊपर भी हो जाता है। अच्छे से लगाकर कम से कम 2-3 मिनट मालिश करें ताकि कोकोनट ऑयल, हल्दी, लेमन जूस अपना काम कर सके। इसके बाद हल्के गीले कपड़े से आप चेहरे को पोंछ सकते हैं 15 मिनट बाद। चेहरे को नहीं धोना है, अच्छे रिजल्ट के लिए लगाकर रखना है। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है, आप देखेंगे कि तेज़ी से जो डार्कनेस है वो कम होने लगेगी। कोई भी रेमेडी को वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये ना सोचें कि एक दिन में गायब हो जाएगा। एक सप्ताह आप मेरा कहना माने और इस रेमेडी को ज़रूर करें। इसके अलावा विटामिन सी युक्त चीज़ें खाना है, पानी पीना है दोस्तों, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे ट्राई करें। वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके साथ ही साथ आप कभी कभी जायफल होता नटमैग को दूध में घिस कर भी लगा सकते हैं, ये इतना फ़ायदेमंद होता है जायफल भी। तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें, 100% वर्क करने वाली ये रेमेडी है।